इंडेक्स क्वेश्चन 3.8, ठीक है, ये 3 नंबर या 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादातर चांस है 3 नंबर में, है ना। ये क्वेश्चन में आपको लगाना है अरेनियस इक्वेशन, है ना, फॉर्मूला जो होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है और क्या अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर अ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10 केल्विन, है ना। 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट जो होता है कॉन्स्टेंट रिएक्शन का डबल हो जाता है। इन अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। अब इनिशियल जो टेम्परेचर होगा 298 होगा, और 10 डिग्री जब बढ़ा देंगे तो आ जाएगा, 10+ करेंगे 308 केल्विन हो जाएगा। कैलकुलेट ई एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवेन क्या क्या है। टेम्परेचर जो T1 दिया है वो दिया है 298 केल्विन, और सपोज जो K1 की वैल्यू है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है तो K1 इनिशियल होगा, और इसका सपोज यहाँ पर K हमने मान लिया, ओके। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 10 डिग्री का मतलब स्टार्टिंग में 298 है, और प्लस इसमें आपको 10 करना होगा, तो टेम्परेचर बन जाएगा 308 केल्विन। तो ये बोला जा रहा है जो रेट रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट, वो भी क्या हो जाता है, डबल। डबल का मतलब ये 2K हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल। तो अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ई ए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकालना है, अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस आपका इक्वेशन होता है जो न्यूमेरिकली यूज करेंगे, लॉग K2 / K1 इक्वल टू होता है EA/2.303 R, और यहाँ से होगा T2 - T1 और D/T1 T2, ओके। तो ये अरेनियस का इक्वेशन होता है, इसको अच्छे से याद करके, क्योंकि इसमें बेस 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी आगे क्वेश्चन में आएंगे। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि लॉग K2 / K1 इक्वल टू EA/2.303 R, T2 - T1 और अपॉन में T1 T2। तो हमें क्या करना है, इसमें बस वैल्यू आपको पुट करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने को जो लॉग यहाँ से होगा K2 यहाँ पर है 2K, और K1 की वैल्यू है यहाँ पर K हमने माना है क्योंकि डबल हो रहा है, और EA की वैल्यू अपने को निकालना है डिवाइड में 2.303 × R की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8.314, है ना, और T2 है 308 - T1 298, और डिवाइड में होगा 308 × 298। इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये के और के कैंसिल आउट होगा, सिर्फ बचेगा यहाँ से log2 = EA/2.303 × 8.314 ×, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10, और इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे ही रखिए, 298 केल्विन, ठीक है। तो लॉग 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होता है, ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से EA × 10, और डिवाइड में होगा 2.303 × 8.314 × 308 × 298। और यहाँ पर वन कर ले, हमें EA यहाँ से फाइनली निकालना है, तो क्या बनेगा, EA के साथ क्या है, 10 है, वो डिवाइड में आएगा, बाकी सब जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर बन जाए। तो यहाँ से 2.303 × 8.314 × 308 × 298, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से कितना, 10। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू जो बनेगा 52897.77, ये होगा जूल में, ओके, जूल पर मोल। और ज़्यादातर आंसर जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी वो किलो जूल में दिया होता है, तो
किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 52.897 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था और आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 3.9 क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 8 और 9 दोनों अरेनियस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दे रखा है, 2HI डिकम्पोज हो रहा है तो H2N I2 बना रहा है, और आपको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 209.5 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर दे रखा है 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा है कि सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें फाइंड क्या करना है। तो अगर मैं पहले गिवन की बात करूँ, है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो क्लियर हो रहा है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो दिया है 209.5 किलो जूल पर मोल दिया था, किलो जूल पर मोल दिया, तो उसको आप क्या ध्यान रखिएगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 209.5 इंटू 10 के पावर 3, और ये हो जाएगा जूल पर मोल में। ठीक है, क्योंकि आर की जो वैल्यू होगा वो जूल में होगा, तो आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको किलो जूल में 1000 मल्टीप्लाई करके इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपको टेम्परेचर दे रखा है ना, टेम्परेचर दिया है 581 केल्विन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या निकालना है अपने को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब के अपॉन ए की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है ना, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट मीन्स के बाई ए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने अरेनियस का जो इक्वेशन है, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है, देखिए जो स्टार्टिंग फॉर्मूला के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में होता है माइनस ई ए बाई आर टी, जो NCERT में डेरिवेशन भी स्टार्ट करोगे वो यहीं से स्टार्ट करना है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँ, दोनों साइड मैंने नेचुरल लॉग लिया, तो यहाँ पे बनेगा LNK इक्वल टू LNA और माइनस EA डिवाइड में होगा RT। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि LN अगर किसी के पावर में X है तो ये E एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग जो एक दूसरे कैंसिल आउट, मतलब X होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए E के पावर में ये पूरी X वैल्यू है, तो इसलिए माइनस ई ए बाई RT हो जाएगा। तो नेचुरल जो लॉग दिया है उसको मैं, तो यहाँ पर जो नेचुरल लॉग दिया है उसको मैं लॉग बेस में कन्वर्ट करता हूँ, और नेचुरल लॉग को लॉग बेस में कन्वर्ट करना तो उसमें क्या करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, है ना, इसको मैं अगर इधर लेकर आता हूँ तो ये बन जाएगा LNK डिवाइड में A, क्योंकि देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, LNK माइनस LNA होगा, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, है ना, तो x बाई वाई वाली प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया कि अगर कहीं पर LNX माइनस LNY है तो इसको हम लिख सकते हैं LNX अपॉन Y, है ना, यही प्रॉपर्टी हमने लगा दी, क्योंकि LNA को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस आएगा, तो ये बनेगा इक्वल टू माइनस ई ए बाई यहाँ से RT। ओके, अब नेचुरल लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बाई ए इक्वल टू माइनस ई ए बाई RT। तो हमें फाइनली लॉग के बाई ए करना है तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू यहाँ से RT। तो पहले आप ई ए की जो वैल्यू है पूरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, है ना, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस ई ए की वैल्यू कितना था,
ये की वैल्यू था 209.5 × 10³ और डिवाइड में 2.303 × आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 581 दिया है ना। तो इसको पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली लॉग के डिवाइड में लॉग ए इक्वल टू में आएगा माइनस 18.832। ठीक है, तो हमें निकालना है के अपॉन ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग निकालेंगे तो माइनस किसका एंटी लॉग, माइनस 18.832 का एंटी लॉग। ठीक है, तो यहाँ से एंटी लॉग कैसे निकालते हैं इसका स्टेप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए जब माइनस अगर नहीं होता तो 10^18 लिख देते, माइनस है तो एक प्लस होगा तो ये हो जाएगा 10^19। जो भी माइनस में 18 है तो 10^1 एक प्लस करके लिख दीजिए 10^-19, और बाकी आप इसका एंटी लॉग निकाल लीजिए 0.832 का। तो जो आंसर बन के आएगा वो आएगा 1.43। ठीक है, यही होगा के अपॉन ए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका आंसर यही होगा। तो फाइनल ये आपका आंसर बना। इसमें मेन चीज़ है एंटी लॉग, माइनस में है तो वो एक प्लस करके जैसे -18 -19 करके पावर में, बाकी जो डेसिमल बचा 0.832 का उसका एंटी लॉग का स्टेप लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 और 9 दोनों ही अरेनियस क्वेश्चन पे बेस्ड थे, अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड थे। तो ये क्वेश्चन करके जाइएगा, आने के चांस बहुत ज़्यादा है 3 और 4 में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।